बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रेड 9 की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं फेडरल बोर्ड की। ठीक है, आज इसका हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है। उसके सारे शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यूज करने हैं। ठीक है, तो फिर ओपन करते हैं। ये देखिए, ये चैप्टर नंबर 2 है, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसके एमसीक्यूज करते हैं। तो ये देखिए, तो एमसीक्यूज यहाँ पर है। पहला एमसीक्यूज है द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज़, तो इसका ऑप्शन सी है ऑब्जर्वेशन। इंफॉर्मेशन दैट इज गैदर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड, इसका है थ्योरी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक स्टडी, तो इसका डी ऑप्शन है। पहले ऑब्जर्वेशन आता है, फिर हाइपोथेसिस, फिर डिडक्शन, फिर एक्सपेरिमेंट, फिर थ्योरी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लॉजिक ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस, तो इसका ये ऑप्शन सी है। ठीक है, इफ माई ऑब्जर्वेशन आर एक्यूरेट दे विल सपोर्ट माई हाइपोथेसिस। ठीक है, इसी तरह से देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्टिंग्विश हाइपोथेसिस फ्रॉम थ्योरीज इन साइंस, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है। सी नहीं है, ये गलती से लगाया, तो ये ए है इसका। थ्योरीज आर हाइपोथेसिस दैट हैव बीन प्रूवन ट्रू। ठीक है, इसी तरह से अगला है यू आर डूइंग अ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट विच, तो इसका ऑप्शन सी है, विच इज रिपीटेड मैनी टाइम्स टू मेक श्योर द रिजल्ट आर एक्यूरेट। ठीक है, इसी तरह से है मलेरिया इज कास्ड बाय, ये तो सबको पता है, बहुत ईजी सा है, प्लाज्मोडियम। द कंपैरिजन ऑफ वन नंबर टू एन अदर नंबर इज कॉल्ड अ रेशियो, तो यहाँ ऑप्शन ए रेशियो। टू इक्वल रेशियोज जॉइंड बाय अ साइन ऑफ इक्वलिटी फॉर्म अ प्रोपोर्शन, ऑप्शन नंबर सी। प्लाज्मोडियम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन मलेरियन पेशेंट बाय A.F.A. किंग। ठीक है, तो अब इसके देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट, पहले A.F.A. किंग और रोनाल्ड रोस। तो ये देखिए, पहला है A.F.A. किंग, इसका ये देखिए पेज नंबर, ये देखिए 19 में है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए स्प्रेड ऑफ मलेरिया का जो ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर A.F.A. किंग का दिया गया है, तो यहाँ से आपने कर लेना है पहला इसका। ठीक है, A physician A.F.A. King listed 20 observations about spread of malaria. Some important observations were: people who slept outdoors were more likely to get malaria than those who slept indoors. People who slept under fine nets were less likely to get malaria than those who did not use such nets. Individuals who slept near smoky fires usually did not get malaria. यहाँ तक पहले A.F.A. King का। ठीक है, अच्छा, अगला था रोनाल्ड रोज का, जो अगले पेज पे है 20 पे, एक्सपेरिमेंट ऑफ रोनाल्ड रोज यहाँ पर। ठीक है, रोज अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन वर्किंग इन इंडिया परफॉर्म इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट। ही अलाउड अ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो टू बीट अ मलेरियल पेशेंट। ही किल्ड द मॉस्किटो सम डेज लेटर एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन मॉस्किटोज स्टमक। इसी तरह से इसका यहाँ पर नेक्स्ट है, जो इसने बर्ड पे किया था, यानी कि स्पैरो पे किया था। नेक्स्ट, रोज यूज्ड स्पैरो इन दिस एक्सपेरिमेंट। ही अलाउड female Culex mosquito to bite on the sparrow suffering from malaria. He then allowed these mosquitoes to bite healthy sparrows. The sparrow got malaria. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जस्ट आप कर लें। ठीक है, तो यहाँ अगला शॉर्ट है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस इन बायोलॉजिकल साइंसेज, तो इसका देखिए यहाँ पर आंसर है, ये देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा एनालिसिस, यहाँ पेज नंबर 22 में है, इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर रिजेक्टिंग, मॉडिफाइंग और कन्फर्मिंग अ हाइपोथेसिस। ठीक है, रिजेक्टिंग अ हाइपोथेसिस, मलेरिया अकर्स इन मार्शी प्लेसेस, बेस्ड ऑन दिस और डेटा द हाइपोथेसिस विल बी marshy water causes malaria, 20% drank marsh water, no one suffered from malaria, so the hypothesis is rejected on the basis of data that 20% drank marshy water and did not suffer from malaria is a modifying hypothesis. After rejection of the marshy water is the cause of malaria, hypothesis was modified on the basis of the other observation. Modified hypothesis, plasmodium is the cause of malaria. Confirming hypothesis, data analysis over PD experiment confirmed hypothesis that plasmodium is the cause of malaria. यहाँ से लेकर यहाँ तक आप करने second short। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है, कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये थर्ड शॉर्ट है। ठीक है, इसका भी देखिए इसी पेज पर है आंसर, ये देखिए 22 पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। ठीक है, रेशियो, द कंपैरिजन ऑफ वन नंबर टू अनदर इज कॉल्ड अ रेशियो, और ये इसकी आप एग्जांपल ले लें। ठीक है, टू रेशियोज जॉइंड बाय साइन ऑफ इक्वलिटी फॉर्म प्रोपोर्शन। ठीक है, यहाँ से पूरा यहाँ तक बनता है, लेकिन अगर आपने इसको तरतीब से लिखना है तो किस तरह लिखना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, अगर आपको इसको तरतीब देनी है तो आपने कुछ इस तरह से इसको लिख लेना है। ठीक है, ये देखिए द कंपैरिजन ऑफ वन नंबर टू अनदर रेशियो कैन मे बी एक्सप्रेस्ड बाय पुटिंग अ डिवीजन और कोलन मार्क बिटवीन द टू नंबर्स। तो इस तरह से कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर फिर प्रोपोर्शन और इनकी एक्सप्लेनेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आर यूज्ड इन सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, और ये सारा आप कर लें। और साथ ये देखिए यहाँ आगे भी है थोड़ा सा, ये यहाँ से देखिए यहाँ तक पूरा एंड हो रहा है इनकी यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ तक कर लें। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वाई इट इज़ इम्पॉसिबल टू एरिडिकेट मलेरिया, क्यों ये नामुमकिन है मलेरिया को ख़त्म करना, मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, देखिए वाई इट इज़ इम्पॉसिबल टू एरिडिकेट मलेरिया, मलेरिया इज़ डिफ़िकल्ट डिजीज़ टू कंट्रोल लार्जली ड्यू टू हाईली अडेप्टेबल nature of the vector and parasite involved. There is no specific antiviral drug available for the treatment of the patient suffering from malaria fever. The best prevention is personal protection from mosquito bite and measures to prevent mosquito breeding. यहाँ तक ये इसका आंसर बनता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है what was the main purpose of experiment by Ronald Ross, ठीक है। अब इसके ये बताना, एक्सपेरिमेंट नहीं बताना, इसके ये बताना है कि उसको क्या मकसद था, उसने क्यों एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ये बताना है। तो इसका आंसर बुक में नहीं है, मैं आपको की से दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इसका ये है व्हाट आर द मेन पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट रोनाल्ड रोस। सर रोनाल्ड रोस इज फेमस फॉर बीइंग द डिस्कवरर ऑफ द मॉस्किटो ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया बिकॉज फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो इज द ओनली, ये देखिए, मॉस्किटो व्हिच कैन spread malaria. It was confirmed during experiments of Ronald Ross that mosquito transmit Plasmodium and spread malaria. Okay. All these experiments confirm that mosquito transmit Plasmodium and spread malaria. The main purpose of experiment is to prove the role of mosquitoes in the process of transmission of malaria causing parasites to humans when dissecting the stomach of the mosquito. यहाँ तक करना, ठीक है। Why Ross, अगला क्वेश्चन है Why Ross did not allow the infected mosquitoes to bite a healthy person, ठीक है। तो इसका ये देखिए ये आंसर है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटिंग ऑन ह्यूमन माइट बी रिजल्ट इन मलेरिया इन ह्यूमन एंड कुड कॉज दैट। Ross used sparrow instead of humans in his experiment. He allowed female Culex mosquito to bite on the sparrow suffering from the malaria. He then allowed these mosquito to bite a healthy sparrows. The sparrows got malaria, ठीक है, यहाँ तक। देखिए अगला क्वेश्चन है जस्टिफाई मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक स्टडीज। तो इसका यहाँ बुक में ही है, ये देखिए सबसे लास्ट टॉपिक है, ये पेज नंबर 22 में। तो अब यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। मैथमेटिक्स इज एसेंशियल टू मैनी साइंसेज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैथमेटिक्स साइंस इज द रोल इट प्ले इन द एक्सप्रेशन ऑफ साइंटिफिक मॉडल। स्टडिंग मैथमेटिक्स डेवलप रीजनिंग एबिलिटी, यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट है लास्ट, ठीक है। What ways do you use the scientific method in everyday life? तो इसका मैंने खुद से लिखा था थोड़ा सा, और ये बुक में भी है, तो ये गाइड में मुझे नहीं मिला, तो मैं इसे देखिए यहाँ पर लिखा है, ये देखिए इस तरह से आपने। We use scientific method when performing and executing an experiment. The purpose of the scientific method is to have the systematic way of testing ideas and reporting results in the process of scientific inquiry. A key component of the use of the scientific method is that it ensures that the experiment should be able to be replicated by anyone. If that is not possible, then the results are considered invalid. यहाँ तक करके आपने देखिए बुक पे आ जाना है, ये यानी कि पहले इसका ये जो है ना कंक्लूजन इसका लिख लेना। ये देखिए बुक के फर्स्ट पेज था ना शुरू का, तो इस पर ये देखिए यहाँ से आपने फिर लिखना शुरू करना है। साइंटिस्ट इंक्लूडिंग बायोलॉजिस्ट एम्प्लॉय एन अप्रोच फॉर सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम दैट इज नोन एज द साइंटिफिक मेथड। बायोलॉजिकल मेथड इज द फॉलोइंग स्टेप्स: रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, बिल्डिंग अप हाइपोथेसिस, ड्राइंग डिडक्शन, डिवाइजिंग एक्सपेरिमेंट, इंफेयरिंग रिजल्ट, यहाँ तक। तो ये पूरा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो अगला देखिए ये पहला लॉन्ग है, डिस्कस बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी एंड देयर एप्लीकेशन। तो फर्स्ट लॉन्ग का आंसर देखिए यहाँ से बन रहा है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए साइंटिस्ट इंक्लूडिंग बायोलॉजिस्ट से लेकर ये सारा इस पे आएगा। अगर आप चाहते तो इससे कट कर सकते हैं, बाकी ये भी आपने लिखना है। रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसके सारे नेम भी लिखने हैं। अगले नेक्स्ट पेज पर देखिए इसके देखिए ऑब्जर्वेशन हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। तो यहाँ तक इसका बनता है आंसर, ठीक है, यहाँ तक पहला लॉन्ग बनता है। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट लॉन्ग है हाउ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू मलेरिया। देखिए इसका आंसर भी देखिए पेज नंबर 18 पर बन रहा है। उसी के नीचे से यहाँ से कॉजेज ऑफ मलेरिया ने यहाँ से इसका बन रहा है, ये देखिए यहाँ से सेकंड का, ठीक है। बाय अडोप्टिंग द स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इट वाज प्रूव्ड दैट मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, ठीक है। इसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल ऑफ द प्रॉब्लम, ये सारा इस पर आएगा, ऑब्जर्वेशन भी आएगी, हाइपोथेसिस है, और ये देखिए नेक्स्ट पेज पर भी है, ये देखिए इसके डिडक्शंस हैं और इसके एक्सपेरिमेंट रिजल्ट और रिपोर्टिंग द रिजल्ट। तो यहाँ तक इसका सेकंड लॉन्ग बन रहा है। तो ये देखिए सारे हमारे हो चुके हैं, ये देखिए सारे लॉन्ग दोनों हो गए हैं, सारे शॉर्ट्स भी हो चुके हैं और एमसीक्यूज भी हो चुके हैं। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 को करेंगे, जिसके सारे शॉर्ट लॉन्ग और एमसीक्यूज करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें अपने क्लास फेलोज के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।